आपत्तिजनक सीडी मामले में आपके पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है। सीडी में दिख रही महिला के सामने आने के बाद संदीप कुमार डीसीबी ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि महिला सुल्तानपुरी थाने में शिकायत करवाने पहुंची थी। महिला का आरोप है कि ये सेक्स सीडी संदीप कुमार के मंत्री बनने के बाद की है। महिला का आरोप है कि सुल्तानपुरी में घर खरीदने के बाद वो वहाँ शिफ्ट हुई थी। नई जगह होने के चलते वो संदीप कुमार से राशन कार्ड बनवाने के लिए मिली थी। महिला के मुताबिक जब वो संदीप कुमार के दफ्तर उनसे मिलने पहुंची तो उसे अंदर बैठा दिया गया। इस दौरान उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पकड़ाई गई जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। महिला का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको होश नहीं था, जिसके चलते उसने क्या किया उसे नहीं पता। महिला ने सीडी वायरल कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। इससे पहले सेक्स सीडी वाले संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि संदीप ने जो किया है उसका बचाव नहीं किया जा सकता। वही महिला की शिकायत के बाद अब दिल्ली की सियासत और गर्मा गई है। महिला के सामने आने के बाद संदीप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए संदीप ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। देखते रहिए टीवी लाइव।